नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रस, ठीक है, हिंदी में। आगे चलते हैं रस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी वीडियो आप हमारा देखते हैं तो ये जान लीजिए दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रस पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, या कोई भी हमारा वीडियो आप देख लीजिए, केवल धैर्य रख के देखिए, तो 31 मिनट में अगर आपका पूरा अलंकार पूरा छंद ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आप हल करिए अपने किताब से, देखिए अगर एक भी बचे तो कहिए। एक चीज़ देखिए, छंद में घनाक्षरी छंद एक होता है, घनाक्षरी छंद होता है। ये पूछा गया है कि वार्णिक छंद है कि मात्रिक, तो ये वार्णिक छंद है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रस। रस का उल्लेख जो है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने किया है। अब रस के भी देखिए दो तात्पर्य होते हैं, एक वस्तुगत तात्पर्य होता है, एक धर्मगत रस होता है। धर्मगत रस का मतलब होता है आनंद, और वस्तुगत रस का मतलब होता है बाजार से रस पीना, चाहे आम का रस पीना, ठीक है, गन्ने का रस पीना, ये सब आपका वस्तुगत हो गया, वस्तु वाली। लेकिन धर्मगत में आनंद, और यही हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए धर्मगत रस जो होते हैं तीन प्रकार से मिलता है, एक तो छूने से, एक देखने से या सुनने से, और एक छूने से, और एक क्रिया करने से, ठीक है। तो देखने से, छूने से या क्रिया करने से, बताइए आप लोगों को सबसे ज़्यादा रस किससे मिलता है? तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा हमको लगता है क्रिया करने से मिलता होगा, सेक्स, ठीक है। अब देखिए नाटक में इन तीनों का वर्णन होता है। नाटक का रस देख कर भी लेते हैं, सूखकर भी लेते हैं, और क्रिया करके भी लेते हैं। ये नाटक में लोग जो करते हैं वो चीज़ एक बातें हो रही, कोई बाहरी आदमी नहीं। अब देखिए सुंदर से सुंदर वस्तुओं का आनंद केवल देखने से मिलता है, छूने से उसे चोट पहुँचती है, शेक्सपियर ने कहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये सब आपके लिए नहीं है। अब देखिए सूत्र जो है, ठीक है, एक सूत्र दिया किसने, आचार्य भरत मुनि ने, क्या दिया, विभावा नुभावा व्यभिचारी भावा संजोगा द्रुत निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तीनों अगर मिल जाते हैं तो उसे रस कहते हैं। यह सूत्र किसने दिया है, भरत मुनि ने। कभी भी आपसे पूछ सकता है विभावानुभावा व्यभिचारी भावा संजोगा द्रस निष्पत्ति, सूत्र किसने दिया है और किस चीज़ का है? तो रस के हिसाब से दिए हैं, रस के लिए इन्होंने दिया है भरत मुनि ने। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों को अगर मिला दिया जाए, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। वहाँ पे नीचे पीछे उत्पत्ति लिखा गया है। अब देखिए विभाव को अलग करिए, बी माने होता है विशेष, और भाव माने भाव। विशेष प्रकार का भाव जहाँ पे उत्पन्न हो उसे विभाव कहते हैं, और विभाव दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंब और एक होता है उद्दीपन। एक होता है आलंब और एक होता है उद्दीपन, अर्थात आलंब मतलब व्यक्ति या वस्तु होगा, आलवेज। आलंब का मतलब जो लंबा हो, यानी व्यक्ति या वस्तु जो होगा वही आलंब होगा, अर्थात आदमी। और व्यक्ति वस्तु द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे थार्नडाइक का नियम है, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, तो उद्दीपन क्या है, वही है जिस वस्तु के द्वारा, व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो क्रिया की जाती है, जैसे बोलना, लिखना, उछलना। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं तो आप आलंबन हैं, लेकिन आप ज्यों बोलना शुरू किए, लिखना शुरू किए, पढ़ाना शुरू किए, उछलना शुरू किए, आप उद्दीपन हो गए। एक्टिविटी करना, क्रिया करना ही उद्दीपन कहलाती है। जैसे मान लीजिए जलेबी आपने देखा तो जलेबी आपके लिए आलंब होगा, लेकिन जो आपके अंदर भाव जागा मिठास का, क्रिया हुई नहीं, क्रिया हो गई तो उसे ही उद्दीपन कहेंगे। डांसर को आप देखेंगे ऑर्केस्ट्रा में तो भाव जागृत होता है, खुशी लगती है, खराब लगता है, अच्छा लगता है, क्या कुछ ना कुछ जरूर लगता है, तो वही उद्दीपन हो जाती है, और डांसर जो है क्या है, आलंब है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनुभाव। अनुभाव जो होते हैं चार प्रकार के। अब देखिए बी भाव, बी
विभाव दो प्रकार के, अनुभाव चार प्रकार के। जब मन में विशेष भाव मन में बन जाता है जो बार बार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे कोचिंग से रूम पर जाने पर हमेशा के लिए, मान लीजिए कोचिंग आपकी बंद हो गई, आप रूम पे चले गए, तो आपका मन बार बार उस विशेष भाव के लिए, अरे यार कोचिंग में चली तो हमें लड़की एक देखी, अरे यार, बार बार उत्पन्न होगा। जिसको आप लाइक करते थे, जिस शिक्षक को आप लाइक करते थे, उसके बारे में बार बार आप सोचेंगे, ठीक है। तो उस विशेष भाव को अनुभव कहते हैं। अभी चार प्रकार से होता है। एक होता है कैसे, एक होता है कायिक, ठीक। अनुभव चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक कायिक, एक वाचिक, और एक आहार्य, और एक सात्विक। तो कायिक मतलब होता है काया, क्या मस्त बॉडी है यार, काश हमारा भी काया को देखकर अनुभव होना, ही क्या होता है कायिक अनुभव, मतलब क्या मस्त बॉडी है, ठीक है। वाचिक मतलब इतना मस्त आवाज़ था, अर्थात वाणी द्वारा जो अनुभव होता है उसे वाचिक अनुभव कहते हैं। अनुभव मतलब अनुभव होना, और काया मतलब किसी को देखकर, वाचिक मतलब उसकी वाणी को सुनकर, इतना मधुर बोलता है यार, क्या गजब बोलता है। आहार्य मतलब होता है वेशभूषा, किसी के ड्रेस को देखकर अनुभव करना क्या कहलाता है, आहार्य अनुभव कहलाता है। तो ये आहार्य वाला आपसे पूछा गया है। सात्विक माने होता है विचारधारा, अच्छी सोच के कारण, मतलब जैसे कोई बहुत अच्छा सोच आपके लिए रखा है कि हाँ यार ये चीज़ करना चाहिए, तो आपको लगेगा हाँ यार बड़े सात्विक सोच का है, सात्विक अनुभव का है, बहुत अच्छा विचार रखता है। तो अच्छे विचार, अच्छी सोच के कारण जो अनुभव होता है उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। तो काया के कारण, वाणी के कारण, वेशभूषा के कारण, और विचारधारा के कारण, ठीक है। उसके बाद एक बचता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, इसको यहाँ पे देखते हैं, व्यभिचारी या संचारी भाव। इनकी संख्या 33 होती है, और ये देखिए वे भावना जो हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे आप दाल चावल खा रहे हैं, पता लगे आपके बगल में पनीर रखा है, तो आपका मन करे पनीर खाने का, मान लीजिए आप पनीर खाने लगे, तो पता लगे खाने का मन कर रहा है क्या, गुलाब जामुन, तो आप गुलाब जामुन खाने लगे, मतलब स्किप, सीधी सी बात, स्किप कर करके दूसरे के पास जाना ही व्यभिचारी या संचारी भाव होता है। अब बात करते हैं हम लोग रस का। तो रस का तात्पर्य आनंद से लगाया जाता है, बहुत बार पूछा है रस का तात्पर्य किससे लगाया जाता है, आनंद से। रस अनुभूति परक आनंद है, इसके प्रवर्तक भरत मुनि है, इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस को परिभाषित करते हुए कहा है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी भावा संजोगा दृश निष्पक्ति, अर्थात जहाँ पर विभाव अनुभाव संचारी भाव का योग होता है वहीं रस उत्पन्न होता है। रस के चार अंग होते हैं, कौन कौन? विभाव अनुभाव संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव दो होते हैं, आलम्ब और उद्दीपन। अनुभाव चार होते हैं, कायिक वाचिक और आहार्य और सात्विक। संचारी भाव 33 होते हैं, और अस्थायी भाव, रस की उत्पत्ति जो होती है अस्थायी भावों से होती है और किसी भाव से नहीं। आपसे पूछता है कि रस की उत्पत्ति किससे होती है, तो रस की उत्पत्ति अस्थायी भाव से होती है, जिनकी संख्या 9 है। रस या अस्थायी भाव कितने हैं? 9। लेकिन भरत मुनि ने अस्थायी भाव का वर्णन नहीं किया है। किस अस्थायी भाव का? एक अंतिम वाला अस्थायी भाव जो है उसका वर्णन नहीं किया है। किस अस्थायी भाव का? तो शांत रस का, जो भरत मुनि ने अस्थायी भावों में शांत रस को नहीं लिया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो नाटक उटक होता है उसमें शांति नहीं होती है, इसलिए शांत रस को इन्होंने नहीं लिया है। अर्थात भरत मुनि के हिसाब से रस और अस्थायी भाव जो हैं 8 हैं, जबकि उस तरह से पूछेगा तो 9 हैं, ठीक है। अब देखिए अस्थायी भाव और रस को देखने से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि आचार्य विश्वनाथ जो हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य है। तो ये किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है
कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस है, और रस के कितने अंग होते हैं ये सब हमने बता दिया आपको, चार अंग होते हैं, विभाव, आश्रय, आलम्ब और उद्दीपन, ठीक है। और अनुभाव की संख्या भी हमने चार बता दिया, संचारी भाव 33 बता दिया। अब हम लोग अस्थाई भाव पे आ जाते हैं कि रति का अस्थाई भाव क्या होता है। रति जो है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि रति जो है अस्थाई भाव है किस रस का, तो श्रृंगार रस का। फिर हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। देखिए अस्थाई भाव जो है कम अक्षर का है हास, और जबकि जो रस का नाम है हास्य है। करुण रस होता है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। एक्टिविटी ही क्या है, अस्थाई भाव है। जैसे वीर रस, वीरता जो है एक्टिविटी नहीं है, उत्साहित होना एक्टिविटी है। एक्टिविटी जो होगी अस्थाई भाव आ जाएगी। करुण रस का शोक और वीर रस का उत्साह। उसके बाद देखिए एक रौद्र रस होता है, रा से रौद्र और रा से रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव जो होता है क्रोध होता है। बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा या इसी को घृणा भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भयानक रस होता है, भयानक रस होता है जबकि भय लगना एक्टिविटी है, अस्थाई भाव। और अद्भुत क्या होता है, अद्भुत रस होता है जबकि विस्मय, आश्चर्य, चकित होना क्या कहलाता है, आश्चर्यचकित होना विस्मय अद्भुत का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अद्भुत का विस्मय, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बीभत्स का जुगुप्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और करुण रस का शोक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं श्रृंगार रस यानी प्रेम पे, ठीक है। उससे पहले कुछ और देख लेते हैं कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 रसों की मान्यता दी है, 9वें रस के रूप में आनंद वर्धन ने। अब देखिए 9वां रूप जो है आनंद वर्धन, 8 है तो इन्होंने दिया है, तो 9वां रस जो है आनंद वर्धन ने शांत रस को मान्यता दिलाई है। शांत रस को मान्यता किसने दिलाई है, आनंद वर्धन ने। और रस का मतलब क्या होता है, आनंद है। भावभूति ने करुण रस को रसराज कहा। अब देखिए भावभूति जहाँ आएंगे, भावभूति जहाँ आएंगे वहाँ पे आपको करुण रस जरूर याद आना चाहिए। करुण रस, करुण रस को रसराज किसने कहा, भावभूति ने कहा। लेकिन अगर उस तरह पूछेगा कि रसराज किस रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। सूरदास को अगर बात करें, सूरदास को, तो सूरदास को वात्सायन रस का सम्राट कहा जाता है, जो प्रेम वाला होता है, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, किसे, सूरदास को। आचार्य भोज जो हैं, आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। तो रसराज जो है श्रृंगार रस को किसने कहा है, आचार्य भोज ने। और उस तरीके से भी पूछेगा कि रसों का राजा कौन है, श्रृंगार रस ही होगा। तो सबसे पहला देखिए आ जाता है हमारा श्रृंगार रस, जिसमें नायक नायिका के मिलन की बात होगी। देखिए श्रृंगार का तात्पर्य होता है प्रेम, इसका अस्थाई भाव होता है रति। कामदेव की पत्नी का नाम रति था, और इसमें प्रेम जैसा दिखाई देगा। आप देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। और एक की पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि संयोग को अलग करिए, योग, योग तो दोनों में है। सन मतलब आनंद मैक्सिमम मिलता है संयोग में, और प्रेम का सही पक्ष जो है वियोग है। अगर आनंद की बात करें तो सबसे ज़्यादा संयोग में मिलता है, लेकिन अगर प्रेम का सही पक्ष पूछ ले कि संयोग और वियोग में प्रेम का सही पक्ष कौन है, तो वियोग है। अब देखिए सम माने बराबर, सम उपसर्ग लगाया ना, सम माने बराबर, योग माने मिलना, बराबर बराबर मिलना, और बी माने बिना, योग माने दो लोगों का बिखराव यहाँ पे हो रहा है। तो इसको पकड़ेंगे कैसे, देखिए इसको मिलने का स्वरूप दिखाई देगा, परछाई का स्वरूप दिखाई देगा, आंखें छुपाना या शर्माना का दिखाई देगा,
मंद मंद मुस्काना दिखाई देगा, एक स्वरूप आएगा तभी संयोग होगा। अब जैसे देखिए, संयोग माने बराबर बराबर मिलन, तो मिलन से तुरंत आप जान जाएंगे मिलने का बात, तो यहाँ जरूर दिखाई देगा मिलने का स्वरूप। अब देखिए परछाई का स्वरूप, जैसे श्री राम भगवान गए थे धनुष तोड़ने, तो उनकी परछाई का मजा ले रही थी सीता जी, ठीक है। और आंखें छुपाना या शर्माना मतलब प्यार करना, मिलन। जब आप सुहागरात पे घूंघट उठाते हैं तो आंखें छुपाती हैं लड़कियां, शर्माती हैं, मंद मंद मुस्काती हैं, तो ये चीज़ें आपको संयोग में ज़रूर 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 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वियोग में क्या होगा, बिछड़ने का स्वरूप होगा, आंसुओं का गिरना होगा। जब कोई बिछड़ता है तो आंसुओं का गिरना होता है। ये प्रेम देखिए नायक नायिका वाला प्रेम, माँ और बेटे वाला प्रेम नहीं होता, वो तो स्नेह होता है। कभी भी मत कहिएगा कि कोई माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, प्रेम नहीं स्नेह करती है। आंसुओं का गिरना बिछड़ना का स्वरूप, रह रह कर याद आना, ये सब वियोग वाला है। जैसे देखिए श्रृंगार का तात्पर्य प्रेम से लगाया जाता है, इनके दो पक्ष होते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग जहाँ पर नायक नायिका के मिलने का भाव होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसके अंतर्गत मिलने का, परछाई का, मंद मंद मुस्कुराने का स्वरूप दिखाई पड़ता है। जैसे राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यति सबय सबय सुधि भूल गई, कल टेक रही पलटत नाही। देखिए परछाई आयक नहीं, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि राम के रूप निहारत जानकी, सीता जो है राम के रूप निहार रही हैं, कंगन के नग की परछाई। जब वहाँ पे लक्ष्मण जी बैठे थे तो कंगन के नग की परछाई में राम को देखती हैं और उसका संयोग का मिलन एकदम जबरदस्त लेती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा थोड़ा। यायत सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटाहत नाही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना है। उसके बाद देखिए और है अलग, कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात। अब लजाने वाला बात आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पे एकदम सीधा लिखा है कि शर्माना कहाँ गया, शर्माना या आंखें छुपाना। कहत नटत रिझत खिलत मिलत लजियात, आया कि नहीं लजियात। तो लजियाने की बात आई तो शर्माने की बात आई, शर्माने मतलब संयोग। भरे भवन में करत है नयनन सो बात, नयनों से बात करना, ठीक है। अब देखिए अगला है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। क्या है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। देखिए छुपने वाला आ रहा है कि नहीं, छुपना, आंखें छुपाना, लुका रही हैं, आंखें को छुपा के लुपा रही हैं। सौहें करें बौहें हंसें, और हंसने की बात हो रही है, मंद मंद मुस्कुराना। सौहें करें भौहें हंसें, हंसने का भाव आ गया, ठीक है। दैन कहे नटी जाए, बिहारी जी की पंक्ति है और मंद मंद मुस्कुराने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी संयोग होगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अगर इतना पॉइंट आपने याद रख लिया तो आपका कोई गलत उलत नहीं होगा। उसके बाद वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का मिलने का अभाव दिखाई दे, मिल ना पाएँ, बिछड़ जाएँ, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बिछड़ने का स्वरूप, यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट यही सब है। बिछड़ने का स्वरूप, आंसुओं का बहाना, कुछ समय के लिए दुखी होना, रह रह करके याद करना, इत्यादि स्वरूप दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपका बिछड़ने का स्वरूप वियोग, आंसुओं का बहाना वियोग, कुछ समय के लिए दुखी होना और रह रह करके याद करना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ नायक नायिका के परस्पर अनुराग यानी प्रेम अधिक हो परंतु मिलन संभव ना हो, वहाँ पर होता है वियोग। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को इस तरीके से भी लिख के आ सकता है, विप्रलम्भ, विप्रलम्भ श्रृंगार, ठीक है, इस तरीके से भी लिख कर आ सकता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। अर्थात यहाँ पे देखिए रोने की बात आ रही, आंसुओं का बहाना, ठीक है।
निषदि न बरसत नयन हमारे, सीधी बात। अब उसी प्रकार से देखिए और है, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मिग नयनी को। अब राम जी पूछ रहे हैं खग से यानी खरगोश से, मृग से यानी किससे, हिरण से, कि तुम देखी सीता मृग नयनी, मतलब सीता को तुम लोग देखे हैं, तो यहाँ पे कौन सा स्वरूप आ रहा है, बिछड़ने का स्वरूप आ रहा है राम और सीता के। फिर रोई कोई नहीं डोला आधी रात विहंगम बोला, यानी फिर रोई, रोई आया ना, तो रोई मतलब आंसुओं का बहाना आ रहा है ना, तो आंसुओं का बहाना आया तुरंत वियोग सिंगार। रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले, नागमती का पत्नी चार पांच दिन से रो रही हैं, रात को जंगल में घूम घूम कर रो रही हैं, बार बार रोती हैं। विहंगम पक्षी पूछा तो पक्षी संदेश लेकर गया, तो ये था फिर रोई कोई न डोला आधी रात विहंगम बोला, तो रोने का स्वरूप आ गया ना, तो वियोग सिंगार। आगे देखिए, हास्य रस या हंसना, इसका अस्थाई भाव है हास। अब यहाँ पे देखिए हंसी हंसना, लुका छिपी या लेना देना, मना करना, लेना देना या मना करना, या आंखें दिखाना, या आंगिक व्यंग जैसे कुप्पा ऐसे गाल, ठीक है, और सौहें करना या भौहें हंसें, आंखें ओंखें दिखाना जो है इसमें आता है। जहाँ पर हंसी की भावना हो अथवा आंगिक व्यंग के साथ साथ लुका छिपी हंसना, खिलखिलाना, हंसना इत्यादि का स्वरूप दिखाई पड़े, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे, ठीक है, जैसे देखिए, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहें करें भौहें हंसें देह गने नटियाए। सौहें करें भौहें करें देह करें नटियात। तो यहाँ पे देखिए लुका छिपी की बात आ रही है, लुकाने की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हास्य रस होगा। लेकिन ये तो लुका छिपी की बात आ रही है, हंसने की बात आ रही है, मंद मंद मुस्काने की बात आ रही है, तो संजोग श्रृंगार में भी होगा और हास्य रस में भी होगा, ठीक है, और ज़्यादातर ये संजोग में ही होगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसके। अब देखिए, जैसे कह दिया, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता। तो ये देखिए आपका हंसी हंसाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हास्य रस होगा, ठीक है। पिल्ला लीनी गोद में मोटर भई सवार। इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल है, पिल्ला लीनी गोद में मोटर भई सवार, अली भली घूमन चली करे समाज सुधार, ठीक है। तो ये भी आपका हास्य रस में है, पिल्ला को अपने गोद में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ रही हैं, तो यहाँ पे क्या स्वरूप दिखाई दे रहा है, हंसी का स्वरूप दिखाई दे रहा है, कि पिल्ला जो है, पिल्ला को कोई गोद में लेकर और मोटरसाइकिल पर बैठेगा तो वहाँ पे कौन सा स्वरूप दिखाई देगा, हंसी वाला स्वरूप। बिंध के वासी उदासी तपो व्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी, गौतम ते तरी कथा सुनी मुनिबंद्र सुखारी। जब सुना राम आ रहे हैं तो खुश होकर गौतम की पत्नी पत्थर थी तो स्पर्श की तो पहाड़ को छुएंगे तो कितनी रानी खुश होंगी। तो ये भी आपका है, जो बिंद के वासी उदासी तपो ब्रजधारी, महाबिनु नारी दुखारी, गौतम ते तरी कथा सुन मुनिविद्र सुखारी। ये भी आपका किस में आएगा, हास्य रस में आएगा। इसके बाद करुण या शोक रस है, इसका अस्थाई भाव शोक है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, तो इसमें दुख शब्द जरूर आएगा, हाय शब्द जरूर आएगा, दुख होगा तो आप हाय करेंगे, अंगार शब्द जरूर आएगा, दुख होगा तो जैसे अंगार की तरह दुख होता है, विलाप शब्द जरूर आएगा। तो ये सब शब्द अगर आ गए तो समझ लीजिए आपकी वहाँ पे शोक या करुण रस
होगा। जैसे जहाँ पर दुख, विलाप, हंगार, हाय आदि शब्द दिखाई पड़े वहाँ पर करोड़ रस होगा। अभी तो मुकुट बधा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर अंगार। तो ये आपका जो है, आपका कहाँ का है, अभिमन्यु की पत्नी कह रही हैं कि अभी हमारी शादी कल हुई, आज हमारे सजना जी मर गए, तो ये चीज़ यहाँ पे होगा। और देखिए और एग्जांपल इसके जो हैं, हाय राम, क्या आया, हाय राम, हाय राम, कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो हाय आया ने, तो यहाँ पे भी आपका करुण रस या शोक अस्थाई भाव वाला हो जाएगा। एक है शोक, शोक इसमें देखिए आ ही गया, शोक माने दुख। शोक बिलत सब रोही रानी, रूपु सीलु बलु तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। तुलसीदास की ये है, और ये भी आपका करुण रस के अंतर्गत आएगा। अब देखिए वीर रस आता है, तो वीर रस में उत्साह या उत्तेजना की बात होती है। इसका अस्थाई भाव जो है उत्साह या उत्तेजना है, तो अस्थाई भाव उत्साह हो जाएगा। इसमें देखिए वीरता, और वीरता होगी जहाँ पर वहाँ युद्ध या समर जरूर होगा। युद्ध को ही समर कहते हैं, तो जहाँ वीरता होगी वहाँ युद्ध या समर जरूर होगा। वीरता वाले में ही कुरुक्षेत्र की बात होगी, अस्त्र एवं शस्त्र की भी बात होगी। और जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ पे हाथी और घोड़ा, यानी घोड़ा को जैसे नाम से भी यूज हो सकता है, चेतक इस तरीके से भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर वीरता, युद्ध या समर, कुरुक्षेत्र, अस्त्र एवं शस्त्र, हाथी एवं घोड़ा का वर्णन होता है, वहाँ पर वीर रस दिखाई देता है। हाथी घोड़ा लड़ते हैं तो वीर रस वहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर आज क्या मुझसे कभी। मतलब आज नहीं, कभी नहीं जीत पाएंगे। समर माने युद्ध, और युद्ध तो दो बार युद्ध आया, तो यहाँ पे वीरता का प्रतीक है। और ये बात किसने कही है, ये बात अभिमन्यु ने अपनी पत्नी से कहा है, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो युद्ध आया, खूब लड़ी मर्दानी। अब देखिए लड़ी आ गया ना, लड़ाई वाला, लड़ी मतलब युद्ध हो गया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो ये भी क्या है, वीरता का प्रतीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का लाइन है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का लाइन है कि वीर तुम चले चलो। तो वीर खुद आ जा रहा है, वीर रस हो जाएगा। अगला है रौद्र रस। इसका स्थाई भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्रोध मतलब क्रोध की भावना आए, गुस्सा आए। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सामानों को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ ओड़ देते हैं। तोड़ना या टूटने का भी अगर आएगा तो समझ लीजिए सामान हम लोग कब तोड़ते हैं, जब गुस्सा हो जाते हैं, जब रौद्र में आते हैं, जब क्रोध में आते हैं, तोड़ना फोड़ना, पैर भी पटकने लगते हैं, सर भी दिवालिया मार देते हैं। जब अपना अपमान होता है तभी क्रोध आता है। एक लाइन आप थोड़ा ध्यान में अगर रखेंगे कि क्रोध तभी आता है जब अपना अपमान होता है। जैसे जनक में धनुष तोड़ने पर लक्ष्मण गुस्सा हो गए थे, क्यों, क्योंकि वो कह दिए थे, जनक राजा जो थे सीता के पिता कह दिए थे कि यहाँ सब हिजड़े बैठे हैं, हम नहीं जानते थे। तो ये कहे श्री कृष्ण, मतलब राम भगवान से कहे कि भ्राता मुझे आज्ञा दीजिए, क्या बोल रहा है, मतलब गुस्सा हो गए थे। तो गुस्से में क्या कह रहे थे
उस काल मारे क्रोध से तन कापने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध आया तुरंत, रौद्र रस या क्रोध रस। इसके अलावा दो तीन एग्जाम्पल और हैं, जो राउर अनुशासन पाऊं, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। तो इसी लाइनिया के अगवा है, इसी लाइनिया के अगवा जो है, राजा जनक गाते हैं, मुझको विश्वास हुआ यह धरती वीरों से खाली है। तब तक लक्ष्मण कूद कर आ गए और क्रोध के मारे आ गए और राम शांत करवा रहे हैं, लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है, जव राउर मतलब जव आपका अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। यानी यहाँ पे किस भावना की आ रही है, क्रोध गुस्सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा देखिए, अवीरस बोले वचन कठोर, अवीरस बोले वचन कठोर, बेगी दिखाऊं मूढ़ नत, आजू उलटाऊं मही जग लग तर तवराजू। तो देखिए यहाँ पे उलटने की बात हो रही, उलटऊं, ठीक है। कह रहा है कि अवीरस बोले वचन कठोर, मतलब वचन कठोर कोई बोल दिया, तो बेगी देख मूढ़ नत आजू उलटाऊं मही जग लग तरवाजू। यानी यहाँ पे गुस्सा के मारा तोड़ने फोड़ने और उलटने की बात आ रही है, तो यहाँ पे गुस्सा वाला है रौद्र रस, ठीक है। इसके आगे चलते हैं तो बीभत्स रस मिलता है हमको। कौन सा रस मिलता है, बीभत्स रस, जिसका स्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। इसमें देखिए, युद्ध के बाद जो शव बिखरे हों उनमें से दुर्गंध फैल रही है और घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो देखिए घृणा, जब कोई चीज़ मान लीजिए शव पड़ा है बहुत दिनों से, तो घृणा होती है कि नहीं, घृणा का भावना, मांस मज्जा का भावना, मृत शरीर का भावना, शमशान घाट का भावना, चील गिद्ध सियार बाज कौवा कुत्ता का नाम अगर आ जाए और रक्त की बात आ जाए, ठीक है, घिनौने वस्त्र की बात आ जाए, मन में घृणा आ जाए, तो वहाँ पे बीभत्स रस होता है भत्स रस, भत्स शमशान घाट, ठीक है। जहाँ पर घृणा, रक्त मांस मज्जा, मृत शरीर, शमशान घाट के साथ साथ चील गिद्ध सियार बाज कौवा कुत्ता का स्वरूप दिखाई दे, वहाँ पे बीभत्स रस होता है। सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, वाओ, आँख खा रहा है निकाल के, मांस मज्जा की बात आ गई, ठीक। खींचे जीभ सियार आते ही आनंद उर्धारत, मतलब सियार का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जीभ है और कौवा का सबसे प्रोडक्ट अच्छा क्या है, आँख है। तो जुगुप्सा यहाँ पे आ रही है कि नहीं, अब देखिए यहाँ पे आपका घृणा वाली बात हो रही है, मांस मज्जा वाली, तो आपका तुरंत बीभत्स या क्या हो जाएगा, जुगुप्सा रस हो जाएगा, मतलब जुगुप्सा इसका अस्थाई भाव। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। भोजन में श्वान लगे, भोजन में श्वान लगे, मुर्दे, यहाँ पे देखिए मुर्दा आ गया, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी समझ कर बेटे। तो ये चीज़ें देखिए, मांस की बात आई, मुर्दे की बात आई, तो जुगुप्सा। अब यहाँ पे एक है, आँख निकाल उड़ जाते क्षण भर, आँख निकालने की बात हो रही है, आँख निकाल उड़ जाते हैं क्षण भर, उड़ कर आ जाते हैं, मतलब उड़ भी जा रहे हैं जल्दी उड़ कर आ जाते हैं। सौ, अब सौ की बात हो रही है, सौ जीभ खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। तो देखिए कितना गंदा बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीभत्स रस होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 45 मिनट में इस वीडियो को हम ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए भयानक रस, तो भयानक रस में अस्थायी भाव भय होता है, तो इसमें भय, डर या डर के मारा या भय के मारा आदमी बेहोश भी हो जाता है, बेहोश मतलब मूर्छित भी हो जाता है, और कभी कभी डर के मारा आदमी भाग जाता है। और डर किससे लगता है, सांप और शेर जैसे जानवरों के नाम आएंगे तो यहाँ डर लगेगा, भय लगेगा, जबकि चील गिद्ध सब कुत्ता उत्ता आते थे तो ये लोग मांस वांस ज़्यादा खाते थे, बीभत्स वाले थे। तो जहाँ पर भय का स्वरूप हो, डर का स्वरूप हो, बेहोशी और मूर्छित का स्वरूप हो, भाग जाए डर के मारा,
तो वहाँ पे भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज, मतलब एक ओर से अजगर लख रहा है और एक ओर से मृगराज मतलब क्या शेर, यहाँ पे ज है, शेर लख रहा है। बिकल बरोही बीच में, बिकल बटोही, बटोही बीच में परय मूर्छा खाए। तो अजगर एक तरफ लग रहा है, एक तरफ शेर, तो शेर का नाम आते ही क्या होगा डर, और अजगर मतलब सांप का नाम आते ही क्या होगा डर, भय लगेगा। ठीक है, अब अगला एक एग्जांपल देख लीजिए। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की जालो सी, चली आ रही फेन उगलती, फेन उगलती आ रही है, फेन उगलती मतलब सांप की तरह, फेग उगलती फन फैलाए व्यालो थी, मतलब फन फैलाए मतलब सांप की तरह, तो भय लगेगा वहाँ पे। अद्भुत, तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य है, तो इसमें आश्चर्य की बात होगी। उसके बाद विस्मय का भाव होगा, प्रकट होने का भाव होगा। अद्भुत मतलब जैसे एकाएक कोई प्रकट हो गया तो क्या हो गया भाई, आश्चर्यचकित बात है ना, कोई प्रकट हो गया। जैसे कौन सी फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर जो होता है गायब हो जाता है फिर प्रकट हो जाता है, तो याद नहीं आ रहा, तो वो प्रकट होने होने वाला अद्भुत बात है ना ये सब। आँख कान नाक मुंह द्वारा वर्णन न कर पाने का स्वरूप, मतलब आँख कान नाक मुंह द्वारा वर्णन जिस चीज़ का नहीं हो पा रहा है वो चीज़ क्या है, अद्भुत है, अर्थात विचित्र वस्तु को देखकर आश्चर्य का अस्थायी भाव होता है। जैसे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी है, तो यहाँ पे देखिए जब अद्भुत बात आएगा, आश्चर्य वाला, विस्मय का भाव हो, प्रकट होने का भाव हो, आँख कान नाक मुँह द्वारा वर्णन ना कर पाने का स्वरूप हो, जैसे देखिए यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, तन पुलकित मुख वचन नावा, मुख से कोई वचन नहीं आ रहा, नयन बुद्धि चरणन सिर नावा, अर्थात यहाँ पे आँख कान नाक मुँह के द्वारा इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो दो बालक हैं, कौन कौन बालक हैं, राम और लक्ष्मण, यानी अद्भुत सुंदरता इनके अंतर्गत है, इनके अंदर है ये मुख, और मतलब मुख से इनका वचन मतलब क्या है वर्णन नहीं कर पाना, यहाँ लिखा है ना मुख वचन ना, व मुख से कोई भी वर्णन इन लोगों का नहीं कर पाना, मुख से द्वारा स्वरूप नहीं है वर्णन करने का, तो ये बातें आँख कान नाक मुंह द्वारा वर्णन ना कर पाना है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, मतलब श्री कृष्ण भगवान जब मुँह खोले मिट्टी निकालने के लिए तो उसमें पूरे विश्व की माया श्री कृष्ण भगवान ने दिखा दिया। क्षण भर को गिर पड़ी अचेतन, मतलब यशोदा क्षण भर के लिए गिर पड़ी, हिल न सकी कोमल काया। सोच लीजिए कितनी आश्चर्यजनक बात थी वहाँ पे, अद्भुत। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा भरम मोर की आन विशेखा, तो वही वाला हो गया दुई बालक वाला। उसके बाद देखिए अगला है शांत रस या निर्वेद रस, कौन सा है शांत रस या निर्वेद रस, तो इसमें आपका है शांत रस में देखिए सम, सम माने एकदम शांति, सम कहीं भी आ सकता है, इसको ध्यान देना होगा। निराशा आ सकता है, निर्वेद है ना, उदासीनता आ सकता है, हमेशा समाज कल्याण की बात जिस रस में हो, ठीक है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, ठीक है, तो वहीं पे जो होता है शांत रस होता है, और इसको पकड़ना बड़ा आसान होता है। जैसे देखिए नाटक में कोई शांति की अवस्था नहीं होती, अर्थात भरत मुनि ने इसका वर्णन नहीं किया, इनके अनुसार कुल 8 अस्थाई भाव है केवल, ठीक है। इसके बाद देखिए रामचरितमानस शांत रस में ही लिखा गया है, ठीक है, और रामचरितमानस में समाज कल्याण के बारे में और उपदेशात्मक बातें लिखा गया है, तो जहाँ पे भी समाज कल्याण के बारे में और गलतियों को सुधारने की बात और उपदेश वाली बातें हों वहाँ शांत रस होगा। जैसे कबीरदास की जितनी भी पंक्तियाँ हैं, अगर आप जान गए कि कबीरदास की है तो आप आँख मूंद कर शांत रस लगा सकते हैं, क्योंकि कबीरदास जो हैं पूरा का पूरा उपदेश दिए हैं, उपदेशात्मक बातें किए हैं।
जैसे अबलौनसानी अबलानसइयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइयो। यानी जब तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने सांप को पकड़कर छत पर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि जवन गलती वलती हो एक रहा हो ये अब ना न साहब, अब जवन हो राम कृपा यानी समाज कल्याण या उदासीनता या सांस्कृतिक वस्तुओं की ओर जाऊंगा मैं और आपसे कभी कोई मतलब नहीं रखूंगा। शांति की तरफ अब जाना चाहते हैं, अब नशा की तरफ नहीं शांति की तरफ जाना चाहते हैं। अब देखिए अगला है, मन पछिताए अवतरत अवतर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद, प्रभु कर्म वचन और होते। देखिए प्रभु का नाम आ गया, अर्थात तमाम गलत काम करके मन पछता रहा है। मन पछताई अवतरत बीते, मतलब जो अवतरत बीत गया गलत काम करके जो हम बिता दिए अब मन पछता रहा है, ठीक है। तो दुर्लभ दे पाई हरिपद, अर्थात सब जोश जुनून एकदम ख़त्म हो गया सब गलत काम करके, अब जो है हम प्रभु कर्म वचन और हिते, प्रभु के कर्म के बारे में वचन बोलेंगे और उनके हित के बारे में बात करेंगे। अर्थात अब हम आ गए कहाँ, सांसारिक वस्तुओं की तरफ जाएंगे, समाज कल्याण करेंगे। और यहाँ पर सीधी सी बात है, गलती सुधार रहा है आदमी, कह रहा है कि तमाम गलत काम करके मन पछता रहा, अब मैं प्रभु के शीश में जाना चाहता हूँ। अबला न सहीनो अबना न सहीनो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसइयो। तमाम गलत काम कर चुके अब पछता रहे हैं, अब राम की कृपा हो गया है बस। मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध विनाशी, जय छिन गए जय जाय छिन में गर्व करे क्या इतना। मतलब मन रे तन कागज का पुतला, एकदम ये शांति वाली बात हो रही है ना, जैसे सत्संग उत्संग में नहीं होता है। मन रे तन कागज का पुतला, मतलब मन जो है एकदम कागज का पुतला है, एकदम शांति भरा चीज है। लागे बुध विनाशी, जय छिन में गर्व करे क्या इतना, जब सब कुछ छिन गया तो गर्व क्यों कर रहे हैं इतना, ठीक है। तो ये चीज आपका था क्या, शांत रस। उसके बाद देखिए वात्सल्य रस, नौ रस वही होते हैं, वात्सल्य रस को रस उसमें नहीं गिना जाता है लेकिन पढ़ना जरूरी है। जहाँ छोटे छोटे बच्चों की सौंदर्य या उनकी चेष्टाओं आदि को देखकर मन में जो स्नेह का भाव, यही मेन चीज़ है, यहाँ प्रेम नहीं होगा, वात्सल्य रस में स्नेह का भाव होगा। जैसे माँ अपने बेटे से स्नेह करती है ना कि प्रेम, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। अस्थाई भाव वात्सल्यता ता जुड़ जाएगा भाववाचक, जैसे जसोदा हरि पालन झुलावें, हर लावें मल रावें, दुल रावें, जो सोई कहूँ गावें। तो ये जो है अपने बेटे को क्या कर रही है जसोदा माँ, अपने बेटे कृष्ण को झुला उला रही है, मजाक। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। यहाँ पे देखिए बिटिया की बात न, और अपने बेटे की बात, पालने में झुलाता है कौन, बेटे की बात, बिटिया की बात। नंदन बन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। अर्थात जो बेटे बेटियों की बात होती है वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। उसके बाद एक भक्ति रस होता है, जहाँ हृदय में वासना या संसार के रूप में स्थिर ईश्वर विषयक अस्थाई भाव जागृत हो, वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, तुलसीदास ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। जेकरे सिर पे मोर मुकुट वही हमार पति है, राधा कह रही, तो भक्ति रस इसमें आ जाएगा। करुण रस में देखिए क्या होता है, एक और बताते हैं करुण रस का, करहीं बिलाप। अब देखिए बिलाप करना आ रहा है, बिलाप करना मतलब शोक मनाना। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बरहिम बारा, मतलब भूमि पर बार बार गिर रही हैं प्रियजन के मृत शरीर के उथुआ में। तो तुलसीदास ने कहा है इसको। क्रोध में देखिए रौद्र रस का एक और उदाहरण देखिए, रौद्र रस में क्या होता है, क्रोध आता है। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, देखिए क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर
करतल युगल मन लेगा, अपना हाथ हो एकदम मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। शत्रु की बात कहाँ होती है, जब क्रोध आ जाता है, जब अपमान होता है। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। मैथिली शरण गुप्त की भाषा है। और देखिए एक अद्भुत वाला है, अद्भुत मतलब विस्मय या आश्चर्य जो है। अखिल भुवन चर अचर शब हरि मुख में लखी मातु, मतलब हरि के मुख में माता जब लखी तो वहाँ पूरा उनका चकित गई गदगद वचन विकसित दृगुपुल कात। इसे सेनापति ने कहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा एक शांत रस का है। जो मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। कबीर दास का है ये, सोच लीजिएगा। और कबीर दास की कोई भी लाइन रहे तो वो उपदेशय होता है, उसे शांत रस मार सकते हैं। अब देखिए वात्सल्य रस का एक देख लेते हैं। किलकत कान्हा घुटुअन आवत, ठीक है। किलकत खाना कान्हा घुटुअन आवत, मनिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़िए घावत। तुर किसने कहा है, सूरदास ने कहा है। राम जपू राम जपू राम जपू, बावरे घोर भव नीर निधि निज नाम निज नावरे। तुलसीदास ने कहा है भक्ति रस, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए कि श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही माना जाता जाना उपयुक्त है, ठीक है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं भरत मुनि है, ये हमने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ दो तीन है एग्जाम्पल जो है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन है, शांत रस है, ठीक। काव्य में कितने रस हैं, अगर पूछेगा काव्य में कितने रस हैं तो काव्य में टोटल 9 रस हैं। अगर भरत मुनि नाम लिया तभी 8 हो गए। और शोभित कर नवनीत लिए, अब देखिए शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, ये वात्सल्य रस है। और रसोत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, अनुभव। रसोत्पत्ति की आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती हैं। और प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो ये शोक रस है। अद्भुत रस आप जानते ही हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, एक एग्जाम्पल आता है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये आपका है वियोग श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को कहते हैं। और किस रस के द्वारा परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होकर वैराग्य की भावना उत्पन्न होता, तो परमात्मा और सत्संग वाला शांत रस होता है, ये इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रस ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।